अच्छा हुआ भाई, हम पुलिस के हाथों से बच गए। ये मैं तुम्हें सारे पैसे दे रहा हूँ, तुम लोग आपस में बांट लेना। और कोई भी बेमानी नहीं करेगा। ओके, सब लोग को अभी दे रहा हूँ, ठीक है? आपस में बांट लेना, ठीक है? चलो जाओ। मत करो, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने
जय हिंद सर। हाँ, आपके एरिया की कोई खास खबर? वो वीडियो दिखाना। ये लोग तो फिल्म के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मिस्टर संतोष कुमार, टीवी ऑन करो। ये लोग मोर्चा क्यों कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है सर? महिलाओं के आंदोलन में सरासर गुंडे हमला कर रहे हैं, कि इसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है? ये क्या बच्चों की तरह बात कर रही हो? लफड़ा करने के लिए कभी कोई परमिशन लेता है क्या? चुप हो जाओ। ये लोग कौन है और आधी-राधी फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? पता करो कि इन लोगों ने आंदोलन के लिए परमिशन लिया था क्या? यस सर। भाई, कोई दो आदमी अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं। नमस्ते, नमस्ते। जाकर देखो कौन है। जाओ 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 जल्दी। ए, कौन हो तुम लोग और तुम लोगों को किससे मिलना है? ए, ए, कौन हो तुम लोग जो मेरे आदमी पे हाथ उठा रहे हो? हम पुलिस वाले हैं। पुलिस सर, हम आप क्या सच में पुलिस में शामिल होने वाले लग रहे हैं? हम दोनों तो यही सोच रहे थे। पुलिस वाले नहीं लग रहे हैं क्या? इतने समझदार नहीं है हम सर। खैर छोड़िए, आप यहाँ क्यों आए हैं? कल प्रदर्शन क्यों निकाला था? हमने तो बहुत प्रदर्शन और जुलूस निकाले, आप किसकी बात कर रहे हैं? अभी नई फिल्म जो टीवी पर आने वाली थी उसके खिलाफ प्रदर्शन किया था कि नहीं? सर, आप उस फिल्म के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं? सर, वो क्या है कि हमने ये सोचा कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर और हीरो अगर यहाँ आएंगे तो हमारे प्रदर्शन से खुश होकर के हमें पैसे देंगे और हम भी पालामाल हो जाएंगे, इसीलिए हमने प्रदर्शन किया है सर। इससे अच्छा है कि तू अपने गांव में जाकर वहाँ भीख मांग। और ये सुलेमानी बेइज्जती मत करो। उस जमाने की फिल्म लग जा गले मोहब्बत से को रोकने वाले किशन लाल का पोता हूँ मैं, समझ रहे ना आप? ये क्या इंक्वायरी कर रहे हैं सर, चलिए। सोचा था फिल्म का विरोध प्रदर्शन करूंगा तो पैसे मिलेंगे, यहाँ तो उल्टा और बेइज्जती हो रही है। अरे कितना मारा उन लोगों ने। अरे भाई, ये सब तो पॉलिटिक्स के लिए आम बात है। अभी देखना भाई, वो प्रोड्यूसर और हीरो पैसों का बंडल लेकर आएंगे। रैली में तुम दोनों थे ना? कौन सी रैली की बात कर रहे? इसको जानते हो क्या? अच्छा, ये इसे हम नहीं जानते। अब कल की रैली याद आई? नहीं गई। सच बोल। दोबारा जब आपने धुलाई की तब याद आ गई सर। अरे सर, मत थूकिए। हम पुलिस और हम लेडीज। अंडरस्टैंड? कल दलसिंह राय में जो विरोध प्रदर्शन किया था अधीरा फिल्म के खिलाफ, उसके लिए परमिशन लिया था क्या? अभी जो ऑफिस में घुस गए इसकी परमिशन मिली थी? पागलों की तरह बात मत कीजिए। कल जो प्रदर्शन हुआ है उसमें गुंडों ने वहाँ आकर जो उन लोगों से मारपीट की थी, अगर किसी को कुछ हो जाता तो? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी लफड़ा करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। करने दो, हम लड़ेंगे, क्योंकि हम लेडी फाइटर्स हैं, लेडी फाइटर्स हैं, लेडी फाइटर्स हैं। अरे अरे, क्या हुआ? सब औरतों के प्रॉब्लम पर भरोसा करोगे, हमारे प्रॉब्लम पर नहीं? पूछताछ तो करनी पड़ेगी, इसीलिए चुपचाप सटक लेते हैं। तो आप लोगों ने प्रदर्शन क्यों किया था? किसी ने उसकाया था क्या? हमें कोई नहीं बहका सकता। न्याय की रक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा के लिए हम खुद ही बहक जाते हैं, समझे? एक क्या ढूंढ रही है सर? यही पत्थर रखा था, कहाँ गया? ये देखो, देखो इसे। हाँ, पत्नी के अलावा सारी औरतें सुंदर होती है। तुम झुक झुक कर देखो, हम थोड़ा मजे ले लेते हैं। ये फोटो देखी आपने, कैसी खींची है? सर पे पत्थर रखा है और आदमी कमर को चूम रहा है। ग्लैमर यही होता है क्या? वैसे तुम भी काफी ग्लैमरस हो। ठीक है, विरोध करना है तो कमिश्नर के ऑफिस का विरोध करो। महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं। सर जरा प्यार से पकड़िएगा। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जोर से मत पकड़िएगा, नहीं तो टूट जाएगा। अच्छा ठीक है। अरे अरे, रुकिए 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 रुकिए, आप लोग रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए, रुकिए। हाँ रुकिए रुकिए, एक्सक्यूज मी। सुनिए सर, बाजी बटो। सुनिए सर, अपना हाथ पकड़ा कर ये फोटो खिंचवाना चाहती है और फिर फेसबुक पर डालकर हमें बदनाम कर देगी सर। चलिए यहाँ से भागिए। ठीक है, ठीक है। चलो अंदर। इस आदमी को देखा है क्या? हम नहीं जानते। हमने नहीं देखा। सच बोलो, जानते हो कि नहीं? नहीं जानते, हम नहीं जानते। तो रैली किसने करवाई थी? वो फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा था ऐसा करो कि 10 लोगों की शादी करवाएंगे और बिरयानी खिलाएंगे। हम इसी भरोसे पे गए थे। सच सच बोलो। अरे नहीं, किसको उल्लू बना रही हो तू? सच सच बता।
ये रैली में आया था या नहीं आया था? चुपचाप चले जा यहाँ से, वरना पुलिस में जाके कहूंगी कि तूने मेरा रेप करने की कोशिश की। अच्छा, तो तू पुलिस के पास जाएगी? ए, सबक सिखाओ इसको। ये असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ वहाँ भटक के प्रोड्यूसर को लाके फिल्म बनाते हैं, अगर उन लोगों से पूछताछ करे तो सच पता चल सकता है ना? ये तो स्टूडियो है ना सर। ए, वहाँ देखो कावेरी टी स्टॉल, यहाँ सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स आते हैं, हम यहीं से जाल बिछाएंगे और आसानी से सबको पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए। डबल शक्कर की एक चाय देना। ओके भाई। अरे अब फोन किसे करने लगे? हाँ, भेज दिया क्या? कोरियन डीवीडी 100 और जापानीज डीवीडी ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा कम कर दो। और जो हॉलीवुड वाली डीवीडी है 300 भेज देना। सिर्फ डायरेक्टर्स ही नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी कोरियन डीवीडी देखते हैं। सर सर, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ सर। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ सर। सर सर, तुम कौन हो भाई? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। ठीक है, लाइन में लग जाओ। हमने पुलिस डिपार्टमेंट से एक खास इन्फॉर्मेशन के लिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। हाँ? सर क्या हुआ? सर मैं अपनी माँ को बताकर आता हूँ। ए, तू कहाँ चला? सर मैं अपनी माँ को बता। जब सर बोलेंगे तभी यहाँ से जाना। ठीक है सर। ठीक है। कल केबल टीवी को ना चलाने के विरोध में सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने प्रदर्शन किया था। उस फिल्म में ऐसी क्या बात है? और उस प्रदर्शन में जाने के लिए किसने कहा था? सर उस फिल्म में क्या ये तो हमको नहीं पता, मगर फिल्म केबल टीवी पर रिलीज हो गई तो प्रोड्यूसर को बहुत लॉस हो जाता है सर। कल हम लोग भी डायरेक्टर बनेंगे सर, इसलिए हमने विरोध प्रदर्शन किया था। ये समझदार लगता है। उस फिल्म से जुड़ा हुआ कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है क्या? सर ये बैठा है ना सर। सर मैंने 2-3 हफ्ते काम किया है सर। इतना काफी नहीं है सर, इसकी बात पे आप ध्यान मत दीजिए सर। सर मैं बचपन में स्कूल बंक करके फिल्में देखता था सर। सर आजकल के जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर हैं सब स्कूल बंक करके फिल्में देखते थे सर। ये बहुत ही टैलेंटेड है सर। एक ईमानदार डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के बहुत पैसे बचाता है सर। बहुत समझदार हो गए हो। सर मेरे जीजा फिल्म इंडस्ट्री के बड़े आदमी है। प्रोड्यूसर है? नो। डायरेक्टर है? नो। तो हीरो है? नथिंग। म्यूजिक डायरेक्टर है? वो क्या होता है? नहीं। क्यों रे, आप कब से प्यार से पूछ रहे हैं तो तू बता नहीं रहा है, चल बता। चाहे जितने भी बड़े से बड़े हीरो हो, उस फिल्म को अपनी कहानी बताकर केस करते हैं। शहर में कोई भी अच्छी फिल्म बने तो उसे अपनी कहानी बताकर केस करते हैं। कहीं कर तेरी जान का। अरे इसे ज्यादा पंजी कर रहा है तू। प्रोड्यूसर कितनी मेहनत से पैसे लगाकर फिल्म बनाता है, तुम लोग केस करने चले उसके ऊपर है? तेरी जान ले लूंगा। अरे गलती हो जाएगा और हम लोगों को फर्जी केस में अंदर जाना पड़ेगा, समझ गए? सर मैं इसका एनकाउंटर कर डालूंगा। एक्सक्यूज मी सर। यस। कुमकुम सेल्वा कुमार ने इस मूवी को बनाया है सर, उनसे पूछेंगे तो मालूम चल जाएगा। कुमकुम कुमार ये क्या बोल रहा है? इस सिल्वा कुमार का एड्रेस दे सकते हो? एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? पुलिस। ये कुमकुम सिल्वा कुमार का घर है क्या? आए हैं? हम आईजी ऑफिस से आए हैं। पुलिस को किसी ने कम्प्लेन की थी क्या? क्यों, हम उन्हें इन्फॉर्म करेंगे, वो तुम्हें इन्फॉर्म करेगा ताकि तुम लोग भाग सको। मुझे पागल समझा है क्या? मैं क्यों भागूंगी? अरे आपने तो गलत समझ लिया, मैंने कहा आप और आपके पति। दीदी दीदी आप लोग यहीं रुको। ये ऐसी है तो इसकी दीदी कैसी होगी? अरे अरे क्या कर रही हो? छोड़ो मत दीदी। क्यों मार रहे हो मुझे? अरे बहुत पुलिस आई है, सब तेरी वजह से। बनता है होशियार। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? ये नहीं, तुम्हारी कंप्लेंट की। अरे नहीं। अरे तो जाकर समझाना। तूने कंप्लेंट की? बोल ना। तेरी तो तू गया, देख कैसे नंगा करवा के छोड़ती है। बनता है, मार 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 मार। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं मिसेस शालिनी कुमार। घबराइए मत, जवाब दीजिए सर। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है सर, इनको कुछ मत करना सर। इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं किया सर, मैं खुद ही घास से टकरा के। हाँ, मैं जानता हूँ, ये पुराने फिल्मी डायलॉग है। आइए बैठ के बात करते हैं। हाँ सच बताइएगा वरना मेरे पास उपाय है। शुरुआत तो मैंने ही की थी लेकिन बाद में मैं उसके अंदर खुद ही जाके फंस गया। ये जो सुलेमान कपूर प्रोड्यूसर है वो कपूर खानदान से है क्या? नहीं बात ये है कि वो अरे डायलॉग नहीं चाहिए, मुझे पूरा विजुअल चाहिए। रुकिए ना, अभी मैंने शुरुआत कहाँ की है सर। बात ऐसी है कि तमिलनाडु के हर मंदिर में मैं सिंदूर सप्लाई करता था, ये मेरा बिजनेस है। और सिंदूर सप्लाई करने के लिए एक दिन मैं चैनल ऑफिस पहुंचा हूँ, एक आदमी से मुलाकात हुई।
आइए सर आइए, एकदम कम खर्चे में फिल्म बनाइए। 1 लाख लगाओगे तो 10 लाख और 10 लाख लगाओगे तो 1 करोड़ मिलेगा सर। क्या हुआ कंडक्टर साहब, आखिर कब तक कंडक्टर बने रहने का विचार है आपका? अरे उतरो जल्दी, बस निकलने वाली है, उतरो जल्दी। 1 लाख लगाए तो 10 लाख और 10 लाख लगाए तो 1 करोड़, कम पैसों से ज्यादा पैसा कमा सकते। कॉन्टेक्ट करो सिनेमा शेर सिंह। हाँ है? अरे ये लोग इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? बॉडीगार्ड मनेश्वर, ये सिंदूर हर जगह बेचने से तो अच्छा है 5 लाख रुपए लगाता हूँ और करोड़ों रुपए कमाता हूँ।